रिच रो रहा है फोकट पे, रो रहा है। विदाई हो रही है अभी, अभी से विदाई में क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे। सो गाइज, जस्ट अभी ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ और हम लोग जा रहे हैं बाहर। अच्छा लग रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको क्या हुआ। ये देखो, यहाँ पे हमारा वाईफाई खराब हो गया है और नया राउटर लगा दिए। ये देखो यहाँ पे गाइस, सुबह से कल रात से हमारा वाईफाई नहीं चल रहा है बिकॉज हमारा राउटर खराब हो गया है कल शाम से। अरे बाप रे, कल शाम से मेरे को तो पता ही नहीं कि कल, आपको पता है कल क्या हुआ था, तो जैसे मुझे पता नहीं है कि कामों में इतना ज़्यादा बिजी थे गाइस, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखे होंगे और ब्लॉग में देखे तो हो गए, लेकिन इतना ब्लॉग में लिए भी नहीं बिकॉज बहुत काम था कल था। और फिर उसके बाद में अभी जस्ट मैंने ब्लॉग स्टार्ट करी और कल की इतनी थकान हो गई थी ना, ऐसा लग रहा था बस सोते रहो और वापिस से मैं सो के उठी। जैसे अभी मैं सो के उठी ना, ऊपर क्या हाँ पार्टी पार्टी अपने मामले में तो मैंने पार्टी भी नहीं दिया गाइस। हेल्पर ब्लॉग पे अभी आने वाला है, हेल्पर पार्टी देगी। सो गाइस, चलो हम लोग जाते हैं, बाकी की बात हम लोग घर पे आके आप लोग से करेंगे। देखो मुस्तजाब उदापी को परेशान कर रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ। मामा पा दे दो, पा दे दो, टाटा। चलो चल, ले चल रे, ले चल। हाँ ठीक है, टाटा कर रहा। आ गए हैं हम लोग चश्मे की दुकान में और ये देखो मुस्तजाब परेशान कर रहा है। और यहाँ पे हुदापी अपना लेंस बनवाने के लिए आई है, तो बात कुछ कर रही है भैया से, तो अभी उसको लेंस का ये क्या बोलते लेंस का कुछ नंबर वंबर लोग देखेंगे, फिर भैया लेंस बनवा के देंगे। देखो यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं भाई, आप डायरेक्ट चश्मे से भी चेक कर सकते हो। अच्छा, तो उदापी का नंबर इसी में चेक कर रहे हैं गाइस। और यहाँ पे मुस्तजा मुझे परेशान कर रहे हैं, मम्मा लेके चलो, कहाँ लेके आए हो मम्मा मुझे, है ना बेटू, मेरा सोनू है, है ना पी, तो मेरा सोना मोना है, मेरा सोना मोना है, वो गुस्सा दिखा दो, गुस्सा दिखा दो। क्या करता है। सो गाइस अंदर ये लोग नंबर देखने के लिए जा रहे हैं, अभी भाई आई टेस्टिंग करेंगे हुदापी की। ये देखो मस्त एकदम बैठ गई है अंदर जाके उदापी। अब जैसा गाइज मेरा आई टेस्ट किए थे सेम एज इट इज़ वैसा ही करेंगे उसका भी। ये देखो मस्त मुंडी उंडी लगा के बैठ गई है। अपन जाते हैं आगे, आगे जाके मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या है ये देखो। ये देखो मस्त, अभी यहाँ से ये बताएंगे उसको, ये सब टेस्ट वेस्ट करेंगे। तो चलो अभी हम लोग बाहर चलते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें तो आप लोग देख चुके हो। हम लोग आ गए हैं मिठास पे, यहाँ पे दही पूड़ी, मम्मी को दही पूड़ी खाना था तो हम लोग दही पूड़ी ये सब ले लेते हैं। पहले तो वो लेना पड़ेगा जाके पर्ची, फिर उसके बाद में हम लोग दही पूड़ी ले लेंगे काउंटर से। हम लोग ने भैया को दे दिए है रिसिप्ट पर्ची, अभी वो दही पूड़ी पार्सल कर देंगे और हुदापी पानी पूड़ी खाएगी। ये हंस रहा है। उसको बलून चाहिए गाइस, अभी उसकी नज़र उस पर गई नहीं, आने के टाइम पे उसने देखा हाँ क्या हुआ, भूल गया और देख के भूल गया है वो। बच्चे ऐसे ही होते हैं और कितना अच्छा लगता है ना जब ये लोग भूल जाते हैं और बलून का कुछ नहीं करता है। अरे देख लिया, देख लिया। ये देखा बुला रहा है, देखो मम्मा वो चल के नहीं आता है, देखो कैसा अभी एक रट लगा के रखेगा, जब तक लेंगे नहीं ना तब तक उधर ही देखते रहेगा। देखो ये देखो कैसा बुला रहा है, ए मुस्तजाब, ये देखो सिर्फ बुलाएगा, इसको क्या पसंद है बलून पता नहीं। ये देखो ये गोदी में से कैसे हो गया बलून लेने के लिए, भैया एक बलून दे दो, लो पकड़ो नीचे, पकड़ो नीचे नीचे, ये देखो अरे बाप रे पागल हो गया ये। पे भैया ने दही पूरी बना दिए है, देखो इसको कैसा उदापी के साथ में ये घूम रहे हैं, यहाँ पे टहला रही है उदापी इसको। सामान लेके पूरा हो गया है, दही पूरी भी ले लिए है, मुस्तजाब का डायपर भी ले लिए है क्योंकि उसके डायपर्स खत्म हो गए थे, अभी उसको और बलून चाहिए, एक लिया है और एक एक बलून चाहिए उसको अभी। चलो अब जाते हैं फटाफट से घर, मम्मी भी वेट कर रही होगी, मम्मी को भी दही पूड़ी खाना है तो मेरे लिए मम्मी के लिए मैंने पार्सल करवा ली।
चलो चलते गए। तो गाइस आ गए हैं हम लोग घर और खा पी के एकदम मस्त, मतलब बैठ गए हैं, आप लोग से बात भी करने बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा गाइस। तो गाइस मतलब जैसे कि आप लोग ने मेरा पिछला व्लॉग देखे ही होंगे, मेरी रिश्ता फिक्स वाला व्लॉग। सो गाइस कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि नहीं मतलब ये सच है ना, हाँ गाइस सच है, क्योंकि कंटिन्यू 3 व्लॉग आए होंगे, 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे गाइस, आलतू फालतू फोकट सब पे ये व्लॉग आया है। और गाइस आप लोग का इतना प्यार मतलब वो चीज पे मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बस ये मैं चाहूंगी कि मेरे लिए, मुस्तजाब के लिए और जो मेरे होने वाले हैं उनके लिए आप लोग सिर्फ दुआ करो कि लाइफ हम लोग की अच्छी जाए, हम लोग मतलब अच्छे से रहे, जो भी है मतलब बेस्ट विशेस वैसे तो आप लोग दे ही रहे हो गाइस। मैं आप लोग का कमेंट्स पढ़ रही हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस ये वो, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। और गाइज मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप लोग गाइज ये वाली वीडियो जो अभी मेरी आएगी तो इस पे गाइज आप लोग मुझे मतलब कमेंट्स करो मेरी शादी से रिलेटेड, हाँ अब जो मेरी मतलब न्यू शादी है, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे इसमें तो सिर्फ आपकी गुड विशेस है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है गाइस देख देख के आप लोग की इतनी अच्छी अच्छी मतलब गुड विशेस है, ये है वो है। और हाँ मतलब अभी जो मैं सिर्फ कमेंट पढ़ रही हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा इंशाल्लाह, एंड यू एंड मुस्तजाब आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो। कुछ लोग का ये, हम लोग बहुत खुश है कि आप लोग लाइफ में मतलब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये वो, आप शादी कर रहे हो, मुझे उससे बहुत खुशी हो रही है, मतलब कुछ लोग के ये भी कमेंट्स है। और मतलब इतना ये वाली वीडियो को मतलब आप लोग इतना प्यार दे रहे हो गाइज, इतना अच्छा लग रहा है। और हाँ गाइज एक कमेंट ये भी है कि पोस्टर पे अक्षत के साथ में मेरा ये है, मतलब वो रो रहा है अक्षत, उसकी क्लिप नहीं है। सो गाइज उसकी क्लिप अभी मैं मतलब जो अभी बोल रही हूँ उसके बाद में मैं उसकी क्लिप डालूंगी गाइज, मैं भूल गई थी वो चीज डालने के लिए। तो या तो मैं YouTube Shorts में आपको वो दिखा दूंगी, खैर YouTube Shorts में तो डालूंगी, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को इसमें भी डालूंगी, ये मतलब अभी इस दौरान मैं डाल दूंगी वो क्लिप। और गाइस भाई इतना इमोशनल, हुदाप्पी इतनी इमोशनल हो गई थी, मैं हुदाप्पी तेरे को खुश होना चाहिए था, तू रो रही है, हाँ पागल मम्मी आप भी रो रहे, मैं सब लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे क्योंकि अभी इतने टाइम बाद खुशी आ रही है, तो गाइस ये लोग का इमोशनल होना बहुत ही ज्यादा बनता है। हुदाप्पी रोई है, अक्षत रोया है, मम्मी रोए है, भाई रोया, इनफैक्ट भाई का ऐसा था इचकी ले लेके, आप लोग भाई के व्लॉग में देखे होंगे कि मतलब मंगनी वाले वीडियो में ही भाई इचकी ले लेके रो रहा है, और वो क्लिप मैंने मेरे वीडियो में पूरी नहीं डाली हूँ, भाई के व्लॉग में वो फुल क्लिप है। अगर देखूंगी, अगर मैं इसके बाद में वो क्लिप भी भाई वाली भी डाल सकूंगी तो वो भी क्लिप मैं डालूंगी अगर होगी तो मेरे फोन में। आओ बच्ची, क्या लग रही है आपको? हाँ भाई, भाई हो जाएगा भाई, इसको छोटा
सो गाइज यहाँ पे मैं रसम करके अंदर रूम में आई थी और ये लोग मुझसे पूछ रहे थे तो मुझे एकदम से रोना ही आ गया गाइज। मतलब भी ज़्यादा उन लोग और कुछ बोलते तो मेरी गंगा जमुना बहने लग जाती थी, ऐसा हो गया था गाइज, मुझे बहुत रोना आ रहा था। सो गाइज़ यहाँ पे बड़े लोग की बातचीत हो रही थी, भाई और अक्षत दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। शादी की डेट फिक्स हो रही थी और बाकी जो चीज़ें हैं वो बड़े लोगों में बात हो रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करेंगे, मतलब जो भी है बड़े लोगों की बात होती है वो सब बातें हो रही थी। और उसमें भाई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था गाइज़, भाई बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है गाइज़, बहुत जल्दी हम लोग के लिए भाई इमोशनल हो जाता है। ये वजह से भाई मंगनी पे बहुत, मंगनी बोलो रिश्ता डेट फिक्स जो भी है वो अपन बोल सकते हैं, भाई बहुत इमोशनल हो गया था, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो गाइज़, भाई के आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, भाई तो आज इतना रोया है, बाप रे बाप। गाइज कल का ऐसा माहौल था ना, बहुत अच्छा था, दिन भर हम लोग ने इतना काम किए गाइज, मैंने तो उतना मेरे जो व्लॉग में मैं इतना डाल भी नहीं पाई हूँ गाइज, जितना हम लोग ने काम किए, हम लोग नहीं मतलब हुदापी ये लोग करते रहते, जैसे कि आप उन लोग के मुंह से सुनते ही हो, मैं कभी काम नहीं करती हूँ, लेकिन कल ऐसा हो गया, कल काम बहुत ही ज्यादा था उन लोग के साथ में। मैंने भी ये घर में हम लोग जब से आए हैं मैंने फर्स्ट टाइम गाइस फैन क्लीन करी, वरना गाइस सिर्फ उदापी ये काम करते हैं, और उदापी बोलती भी है हाइफा कर लिया कर, हाइफा कर लिया कर, मैं अकेला कितना करूंगी हाइफा। लेकिन चलो कल मेहमान लोग भी आ रहे थे तो मैं बोली चल उदापी मैं तेरा थोड़ा बहुत हाथ बटा देती हूँ, तो उदापी और मैंने कर लिए, झाड़ू भी मारी है गाइस, झाड़ू भी मारी हूँ मैंने, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मारती हूँ लेकिन नहीं मारती है, मारती हूँ चल नहीं मम्मी, अच्छा खैर मम्मी सो गए गाइस, मैं झाड़ू मारती हूँ, नहीं मारती, काम वाली नहीं आती है घर में, हुदापी नहीं होती है तब मैं झाड़ू मारती, मैं देखी नहीं ना इसके लिए, तो मम्मी को पता ही नहीं चीज, हुदापी तो रहती नहीं, हुदापी स्कूल, हुदापी रहेगी तो हुदापी करेगी, फिर मैं क्यों करूँगी, है ना, है ना, ये बात तो है, हाँ हुदापी रहती है तो मैं उठती भी नहीं हूँ, रखी बड़ी बहन रहती है तो उसके फायदे बहुत रहते हैं गाइस, अगर मेरी छोटी बहन उसे, अक्षत मेरी छोटी बहन होता ना मैं उससे बहुत काम कराती थी, मैं इन लोगों को बोलती हूँ बहुत हंसते हैं लोग, तो उदापी बोलती है हाइफा मैं तेरे से कभी काम करवा पाई क्या जो तू तेरी छोटी बहन से करवाती थी। और गाइस फिर उसके बाद में हम लोग ने पूरा दिन भर में काम किए, फिर हम लोग ने खाना बनाया खड़े खड़े गाइस, सिर्फ पैर दुख रहे थे किचन पे खड़े खड़े, और ऐसा था कंटिन्यू बैक टू बैक इतनी सारी चीजें थी ना गाइज, और जितना मैंने कल मतलब काम करी मेहनत करी गाइज उतना ही ज्यादा आप लोग ने मुझे प्यार दियो, बस ये पढ़ पढ़ के ना गाइज ऐसा मेरा खून बढ़ रहा है गाइज, सिर्फ अभी आधे से एक किलो तो बढ़ भी गया होगा गाइज, आप लोग का इतना प्यार देख के सबकी वीडियोस पे आप लोग ने उतना ही प्यार दिए हो, उतना ही आप लोग उतने ही अच्छे से देखते हो और उतने ही अच्छे से आप लोग कमेंट्स करते हो, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, मैं जितना आप लोगों को थैंक यू बोलूँ ना उतना ही कम है, आप लोग जैसे मेरी फैमिली है वैसे भी आप लोग एक फैमिली ही हो मेरे, मतलब मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है आप लोग की तारीफ करने के लिए, बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ गाइज, मेरा मतलब वर्ड्स नहीं है गाइज बोलने के लिए, मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, खैर मतलब ऐसी ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, मैंने आप लोग को बोली हूँ गाइज बैक टू बैक इतनी अच्छी अच्छी चीजें आप लोग के साथ में शेयर होने वाली है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, घर में अभी बहुत कुछ इतने फंक्शंस है, चार चार शादियां है भाई लोग के, जैसे ब्लॉग में आप लोग को पता चल ही चुका है चार चार शादी है गाइज, उसमें से एक मेरी है, आप लोग को अंदाजा आ ही गया होगा, बाकी के तीन किसकी है वो उन लोग के व्लॉग में, मैंने आप लोगों को बोली थी गाइज मेरे व्लॉग में मैं बताऊंगी कि किसकी शादी है गाइज, मेरे व्लॉग में पहला व्लॉग मेरा है और मैं मेरे व्लॉग में बता चुकी हूँ कि शादी किसकी, मतलब एक शादी तो पता चल ही चुकी है गाइज आपको, बाकी की तीन शादी वो फोकट्स के चैनल पे पता चलेगी,
गाइज बस आप लोग इसी तरह प्यार करते रहिए बस, और कुछ नहीं, आप लोग का सिर्फ प्यार चाहिए। और गाइज ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार दो गाइज, वैसे ही जितना आप लोग प्यार दोगे उतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आएगी गाइज। हाय बोला, हाय, सलाम करो, माम कर दो। अरे वालेकुम अस्सलाम, पा दे दो। और गाइज हाँ, आप लोग मुझे बताना है कि ये चूड़ी मैं पहनी हूँ तो मैं कैसी लग रही हूँ। गाइज मेरे फेस पे ग्लो है ना गाइज, खैर जोक्स अपार्ट, तो चलो इसी के साथ मैं व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। और गाइज इसी वीडियो की तरह प्यार दो। चलो अल्लाह।